ऊपर जिसमें गुड़ा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? संत रविदास नगर भदोही जिला के भोली ब्लॉक महासिंहपट्टी गांव प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण शिक्षा अधिकार कानून 2009 के मान और मानकों में पूर्णतः फेल है। यहां पर दीपक सहित कुल 48 बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। मैं केसा देवी, यह है मेरा समुदाय। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अध्यापक। आपके स्कूल में शौचालय है? नहीं। आपके स्कूल में पीने का पानी है? नहीं। स्कूल में रसोई घर है? नहीं। खेल का मैदान है? नहीं। खेल का सामान है? नहीं। आपके स्कूल में बाउंड्री है? नहीं। स्कूल भवन है? नहीं। आपको क्या क्या परेशानी है? पानी पिए के दिक्कत बा, वहाँ गांव में जाए थे और जगह नहीं बा, सड़के खेली थे, गाड़ी मोटर आए थे, दवाई जाए थे और पानी उनी बरसा तक भीग जाते हैं कुल का देला और ऊपर प्राइमरी स्कूल बन जाए तो कुल लड़का पढ़े और आगे बढ़े। आपके स्कूल ना होने से क्या क्या परेशानी है? स्कूल नहीं बन पा तो घाम लगे थे, पेड़ के नीचे पढ़ी थे, बरसात पड़े था, भीग जाए किताब सीधा छाता लले और पढ़ी थे, खाना बटा तो छाता लेके बैठी थे। आपके स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? यहाँ मेरे विद्यालय में कुल 48 बच्चे हैं। मेरे यहाँ विद्यालय 2010 से रन कर रहा है। विद्यालय बनने के लिए प्रशासन की तरफ से आर्थिक आवंटन हुआ था, लेकिन बीच में गांव में कुछ जो ऐसे शक्तिशाली जो तत्व थे उन्होंने इसको स्टे करा दिया, जिसके कारण ये कोर्ट में वर्तमान समय में विचाराधीन है मैटर। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को उठने बैठने में बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग इसको बगीचे में पेड़ के नीचे बच्चों को बैठा कर पढ़ाते हैं, जिसके कारण बरसात में, गर्मी में, ठंडी के मौसम में हमेशा परेशानी होती है और बच्चों को पीने के लिए पानी की भी सुविधा नहीं है, जाकर गांव में वो हैंडपम्प पर पानी पीते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस विद्यालय में शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार स्कूल भवन बनवाया जाए और उन बच्चों को सारी सुविधाएं मिलें। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग BSC के मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं ताकि स्कूल भवन बन जाए। मैं केसा देवी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।